दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि धरती के साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट या फिर वो ऐसा हिस्सा है जहां पर ना तो कुदरत इंसान को पसंद करती है और ना ही इंसान कुदरत को। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे दूर ठंडा और खुश्क कॉन्टिनेंट है, लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद भी पिछले कई दशकों से इंसान यहाँ रहते आए हैं। पर अब सवाल ये आता है कि इतनी ठंडी जगह पर इंसान रह कैसे पाते हैं? क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ रहना स्पेस में रहने से भी ज्यादा मुश्किल है, और यहाँ लोग रहते ही क्यों हैं? चलिए आज इन सारे सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आप समझ ना हो जाए। अगर हम वैसे देखें तो अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसमें पूरा इंडिया और पूरा अमेरिका आसानी से फिट आ सकता है। अब आप खुद ही सोचिए कि इतने बड़े अंटार्कटिका का 98% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। ये बर्फ यहाँ इतनी ज्यादा है कि दोस्तों जमीन के 5 किलोमीटर नीचे तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। वैसे तो यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर साल में 1 या 2 बार गर्मी भी पड़ती है। पर गर्मी का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर टेम्परेचर 30, 40 या 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, बल्कि यहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में सिर्फ -12 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा इतना कम होता है जिस वजह से यहाँ पर बर्फ कभी मेल्ट ही नहीं हो पाती है। हम आपको ये बता देते हैं कि हर साल अंटार्कटिका में 2 इंच एडिशनल बर्फ पड़ती है। दोस्तों भले ही आपको ये फिगर कम लग रही हो, लेकिन बीते कई सदियों में 2-2 इंच करके यहाँ बर्फ की लेयर्स बढ़ती जा रही है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बर्फ और कम टेम्परेचर यहाँ पर इंसानों का रहना दूभर बनाता है, तो हम आपको बता दें कि आप काफी गलत हैं दोस्तों। एक और चीज है जो इंसानों का यहाँ पर रहना दूभर बनाती है, और वो है नमी। यहाँ पर नमी यानी कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल ही ना के बराबर है। दोस्तों वैसे तो किसी भी नॉर्मल हवा में 40 से 80% तक वाटर वेपर्स होते हैं, और ये सिर्फ इंसान की स्किन के लिए नहीं बल्कि इकोसिस्टम के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। पर वहीं अगर हम अंटार्कटिका की ह्यूमिडिटी लेवल की बात करें तो वहां सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही ह्यूमिडिटी लेवल होता है। और दोस्तों यही वजह है कि अंटार्कटिका में स्किन प्रॉब्लम होना और डिहाइड्रेशन होना बहुत ही आम बात है। और यहाँ एक और परेशानी आती है, वो है साउथ पोल समुद्री लेवल से 9,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये लोगों की परेशानी में और भी इजाफा बढ़ा देती है। अब कुल मिलाकर ये बात आती है कि अंटार्कटिका किसी भी इंसान के लिए क्या, किसी भी जीवित प्राणी के रहने लायक भी नहीं है। पर क्या आखिर वजह है कि इसके बावजूद भी इंसान यहाँ पर रहते हैं? अब अगर इस वजह के बारे में बताएं तो वजह है रिसर्च। अब दोस्तों जैसे स्पेस भी इंसान के लिए नहीं बनाई गई है, फिर भी लोग वहां पर जाकर रिसर्च करते हैं। इस तरह अंटार्कटिका में साइंटिस्ट को रिसर्च के लिए भेजा जाता है। एमर्शन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन, ये एक अमेरिकन बेस है जिसके अंदर गर्मियों में 150 और सर्दियों में 45 साइंटिस्ट रहते हैं, और यहाँ तक इनको इकलौते जरिए प्लेन के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी रनवे और एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, और ना ही मोटी बर्फ के चलते या आम तरीके से रनवे बनाया जा सकता है, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर रनवे बर्फ से ही बनाया गया है। जी हाँ, पहले यहाँ पर रोलर चलाकर बर्फ को सख्त और प्लेन किया जाता है जिस पर जहाज को आसानी से लैंड कराया जा सके। अब अंटार्कटिका में जो पायलट जाते हैं, वो आपको बता दें उनकी स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाती है, क्योंकि कोई आम रनवे नहीं है बल्कि बहुत ही स्लिपरी होता है। साउथ पोल अमेरिकन स्टेशन पहली बार 1956 में लकड़ी से बनाया गया था, जो जितनी जल्दी बना था उतनी जल्दी बर्फ के अंदर भी चला गया, और फिर 1974 में से लकड़ी के स्ट्रक्चर से अपग्रेड करके बड़े से इग्लू के स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया। अब पूरी की पूरी बेस इसी के अंदर रहती थी, लेकिन अमेरिकन का ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत जल्दी नाकामयाब साबित हुआ, क्योंकि हर साल ठंड के साथ ही ये इग्लू बर्फ के नीचे जाता गया। अब अंटार्कटिका की खूबी का या खामी, यहाँ 6 महीने हमेशा सूरज रहता है, इसलिए रात ही नहीं होती है, और 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं है, इसलिए हमेशा ही रात रहती है, जिस वजह से 6 महीने तक बेस इग्लू को बर्फ से बाहर निकाला ही नहीं जा सकता है। और 6 महीने बाद बर्फ को यहाँ से हटाया जाता है, जिस वजह से फ्यूल भी ज्यादा लगता था और वक्त भी ज्यादा लग जाता था। 2008 में अमेरिका एक नई अप्रोच के साथ मैदान में उतरा, उन्होंने एरोडायनामिक फ्रेंडली बेस बनाया जिसे हाइड्रोलिक पिलर्स के साथ ऊपर उठाकर बनाया गया था। अब एरोडायनामिक शेप होने की वजह से बर्फ इसके ऊपर और नीचे इकट्ठी नहीं होती थी, लेकिन हर 10 सालों में थोड़ी बर्फ जमा हो जाती है, लेकिन इससे पहले के मुकाबले आसानी से निकाला जा सकता है। अगर हम आपको अंटार्कटिका के बारे में बताएं तो ये एक फ्री कॉन्टिनेंट है, यानी कि इसका कोई भी कंट्री इसको ओन नहीं करती है।
लेकिन यहाँ पर 29 कंट्रीज के अपने रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। पर सारी कंट्रीज यहाँ ही क्यों रिसर्च करती हैं? कौन सी रिसर्च होती है? तो दोस्तों यहाँ पर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च होती है। अब होता क्या है कि आम जगहों पर हवाओं में मौजूद वेपर्स आसमान को धुंधला बना देते हैं और इसीलिए हम टेलीस्कोप लगाने के बाद भी ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं। और यही वजह है कि साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका में ये सारी स्पेस रिसर्च की जाती है, क्योंकि यहाँ का आसमान काफी ज्यादा साफ होता है। दोस्तों स्पेस के अलावा यहाँ पर आइस कोर्स पर भी रिसर्च की जाती है। करोड़ों साल पहले पृथ्वी का क्लाइमेट कैसा था, कौन कौन सी गैस हवा में मौजूद थी, ये सारी बातें अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे छिपी थी। और इन्हीं सब राज को समझने के लिए आइस कोर्स पर रिसर्च की जाती है। अब क्योंकि अंटार्कटिका में काफी खराब मौसम होता है, इसलिए यहाँ पर काफी सोच समझ कर रिसर्चर्स भेजे जाते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आने का एक ही जरिया होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ से जाने का भी एक ही जरिया है। यहाँ पर सिर्फ 3 महीने का ही वक्त होता है जिसमें एयरक्राफ्ट आ और जा सकते हैं, क्योंकि साल के बाकी वक्त यहाँ से आना और जाना बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब अंटार्कटिका से भी दूर एक और इम्पॉसिबल सी जगह पर भी लोग रहते हैं और वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को कभी भी स्पेस से बाहर निकलना हो तो वो कभी भी ओशन में लैंड कर सकते हैं, पर ये ऑप्शन अंटार्कटिका में मौजूद नहीं होता है। इमरजेंसी की सूरत भले ही यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन काफी सीरियस सिचुएशन में वीडियो कॉल के जरिए अमेरिका में बैठे डॉक्टर से बात की जाती है, पर ये कॉल भी इंटरनेट के जरिए की जाती है। और यहाँ पर इंटरनेट भी काफी बड़ी परेशानी है। अब क्योंकि साउथ पोल पृथ्वी के बिल्कुल नीचे है, इसलिए यहाँ पर सैटेलाइट के सिग्नल आते ही नहीं है। सिर्फ कुछ ही सैटेलाइट के सिग्नल्स यहाँ पर आते हैं, वो भी कुछ घंटों के लिए। अब आपको बता देते हैं कि 24 घंटे में यहाँ पर बस 3 घंटा और 50 मिनट इंटरनेट आता है। और इसी में साइंटिस्ट अपने अपने देशों में डेटा भेज देते हैं और इसी बीच वो अपनी फैमिली से कनेक्ट कर पाते हैं। अब दोस्तों परेशानियाँ ही खत्म नहीं होती हैं। अब एक परेशानी से तो आपको रूबरू होना बाकी है और वो है वेस्ट मैनेजमेंट। अब इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इस कॉन्टिनेंट को पॉल्यूशन और वेस्ट फ्री रखना हर देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी वेस्ट या पॉल्यूशन बढ़ा तो ये रिसर्च को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी उसे आखिर में वापस जाना ही होगा। अब यहाँ पर मौजूद सारा वेस्ट इकट्ठा करके उसे मैकमर्डो स्टेशन पर वापस भेजा जाता है और फिर यहाँ से सारे के सारे वेस्ट को प्रोसेस करके साल में एक बार आने वाली शिप के साथ वापस US भेज दिया जाता है। हम आपको बता देते हैं कि सर्दियों के मौसम में अंटार्कटिका में सिर्फ 45 लोग ही होते हैं और इन लोगों को काफ़ी सारे प्रोसेस, टेस्ट और स्टेजेस के बाद सिलेक्ट करके भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों ये क्रू हर तरह की परेशानी से गुजरने के लिए तैयार होता है, क्योंकि अगर कोई भी परेशानी होती है तो ये लोग ना तो बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं और ना ही बाहरी दुनिया इन लोगों से, इसलिए बहुत ही गिने चुने लोगों को ही यहाँ से भेजा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।